टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। समीर वानखेड़े ने दलित का हक छीनकर नौकरी पाई है, ऑनलाइन सर्चिंग में भी नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट। क्रूज ड्रग्स मामले के मुख्य गवाह किरण गोस्वामी को एनसीबी तलाश रही है, अचानक सोमवार को उसके लखनऊ में समर्पण करने की सूचना आई है। खान को जेल या बेल, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई मुकुल रोहतगी सतीश मान सिंधे के साथ आर्यन खान के मुख्य वकील के तौर पर कोर्ट में पेश होंगे। दौर पुलिस ने आखिरकार 6 महीने से फरार चल रहे रेप के आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। इंडोनेशिया में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा व लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे पड़ोसी देशों पर राष्ट्र सुरक्षा व आर्थिक हितों का खतरा पैदा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना से संक्रमित होने वालों में 51.3% मरीज महिलाएं जबकि 48.7% पुरुष हैं। मुंबई पुलिस की एक वकील सुधा द्विवेदी ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और 5 अन्य के खिलाफ क्रूज पर मादक पदार्थ मामले में प्राथमिक दर्ज कराने का अनुरोध किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स किए, जिसके बाद फेसबुक ने कार्रवाई करते हुए इन कमेंट्स को हटा दिया। दुल्हन का जोड़ा पहनकर पत्नी ने नम आंखों से दी शहीद अमित को आखिरी विदाई, 9 महीने में ही उजड़ गया सुहाग। बेहद लग्जरी है कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की जिंदगी, भारत ही नहीं विदेश में भी है आलिशान घर। भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को है। कोहली ने कहा, इस ब्रेक के दौरान टीम को मिलेगी मदद, हमने आईपीएल का दूसरा चरण यहां खेला है। सोनिया, सुषमा और मुलायम के साथ जारी की पाक पत्रकार अरुषा की तस्वीरें, पूछा क्या ये भी ISI एजेंट हैं। भाजपा प्रयोग के तौर पर उन बूथों पर ध्यान केंद्रित रहेगी जहां मुसलमान मतदानों की संख्या 70% से अधिक है और पासमानदा मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती रंजीत नगर दुष्कर्म पीड़िता मासूम की सेहत में बेशक धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन 72 घंटे बाद भी वह मानसिक आघात से उबर नहीं सकी। विश्व का सबसे खूंखार और इनामी ड्रग्स तस्कर यूसुगा गिरफ्तार, सरकार को मिलेगी अहम जानकारियां। दिवाली से पहले बोनस और बड़े डीए की सौगात, लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों को होगा फायदा, सीएम की सहमति के लिए भेजा प्रस्ताव। समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर साहिल को लेकर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि साहिल ने पैसे के लिए ये सब किया है। इस आश्रम को लेकर बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि हम स्क्रिप्ट देखेंगे और आपत्तिजनक होने पर फिल्मों की अनुमति नहीं देंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि घटना के गवाहों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। सरकार ने कहा कि लोगों ने कार और कार के अंदर मौजूद लोगों को देखा है। फिल्म के रोल के डिमांड के हिसाब से बॉलीवुड की कई अदाकारों ने अपने बाल तक मुड़वाए, उनका मानना है कि इससे वो अपने रोल के साथ अधिक न्याय कर पाएंगी। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स।